कोरोना को लेकर अभी क्या स्थिति भारत में है, सबसे पहले आपको ये बताना जरूरी है। पूरे देश में 396 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। हरियाणा में 12 कोरोना पॉजिटिव हैं, गुरुग्राम में 4, फरीदाबाद में 1 और सोनीपत में 1, पानीपत में 1 और पंचकुला में 1। इसके अलावा हिमाचल में 2 कोरोना से संक्रमित हैं, उत्तराखंड में 3 पॉजिटिव केस है, चंडीगढ़ में अभी तक 6 पॉजिटिव केस है और सभी को आइसोलेशन में रखा गया है, जिनका इलाज वहीं पर चल रहा है। ये बड़ी और अहम खबर आपको हम बताएं, चंडीगढ़ में अभी 6 पॉजिटिव कोरोना के केस हैं, उत्तराखंड में 3 पॉजिटिव केस हैं, हिमाचल प्रदेश में 2 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। इसके अलावा आपको बता दें, अगर बात हरियाणा की जाए तो 12 पॉजिटिव केस भी हरियाणा से सामने आए हैं। पूरे देश में कुल मिलाकर 396 कोरोना के पॉजिटिव केस हैं। हालांकि इस बीच एक अच्छी खबर यह है कि जो मेदांता अस्पताल में इटली के जो विदेशी पर्यटक भर्ती थे वो अब कोरोना से ठीक हो गए हैं, यानी कि आप कोरोना से लड़ भी सकते हैं। आपको अपनी बॉडी को मजबूत बनाना होगा, अपने इम्यून सिस्टम को सही करना होगा। अगर आप कुछ गलत खाते हैं, याद रखिएगा कि आपके शरीर को कमजोर करने में उसका खास असर देखा जा सकता है, इसलिए आप अपने शरीर को इतना काबिल बनाएं कि उसमें बीमारियों से लड़ने की, कोरोना से लड़ने की ताकत हो, जिसके लिए आपको अपने खान पान का, इम्यून सिस्टम का योगा और प्राणायाम के जरिए आप पा सकते हैं। तो आपको बता दें, कोरोना को लेकर अलग अलग जगहों से लगातार खबरें अभी तक आपको अपडेट दे रहा है। बात अगर हिमाचल की जाए तो मनोज धीमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, अभी क्या स्थिति है वह हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर, कितने लोग आइसोलेशन में हैं, कितने लोग नजरबंद हैं? दीक्षिता, देखिए कोरोना वायरस का कहर जो है पूरी दुनिया में इस वक्त फैल चुका है, और अगर हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में अभी तक 2 पॉजिटिव मामले आए हैं। उसके अलावा जो है वो कई जगह पर जो लोगों के पॉजिटिव होने की पुष्टि की जा रही थी लेकिन पुष्टि नहीं हुई है, नेगेटिव रिपोर्ट आई है। तो कुल मिलाकर के फिलहाल पूरे हिमाचल में अभी 2 पॉजिटिव केस जो है वो कोरोना को लेकर के आए हुए हैं। फिलहाल कल भी जो रिपोर्ट आई है वो नेगेटिव रिपोर्ट आई है, लेकिन जो जनता कर्फ्यू था उससे कहीं ना कहीं इस चक्रव्यूह को तोड़ने का जो प्रयास जो है देश की सरकार ने किया वो एक बहुत बड़ा सफल कदम था, जिससे कहीं ना कहीं जो है वो ये चक्रव्यूह टूटता हुआ नजर आया है। लोगों ने भरपूर सहयोग भी हिमाचल की जनता ने किया है, तो ऐसे में जो कोरोना वायरस है इसको रोकने की जो रोकथाम है इसके लिए लगातार सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है, हर टीवी चैनल पर दिखाया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर जो लोग हैं वो नहीं मान रहे, घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो ऐसे में एहतियात बरतना होगा। और जिला कांगड़ा को जो है वो लॉकडाउन कर दिया गया है, जिसके चलते जो है लोग अब भी घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, और जो सब्जी की दुकानें हैं या रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो दुकानें जो है 1 बजे से लेकर 5 बजे तक खुलेंगी, ताकि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चला सकें और घरों में जो चीजें हैं उनको पहुंचा सकें। मनोज, जब जनता कर्फ्यू लगा था तो जनता की भागीदारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, जरूरी थी, और वो देखा भी गया। क्या लॉकडाउन के समय जनता एक बार फिर से वो भागीदारी दिखाने के लिए तैयार नजर आ रही है? बिल्कुल दीक्षिका, जिस तरह कल हमारी लोगों से बात हुई थी, कुछ लोगों से तक हम पहुंचे थे, तो लोग यही कह रहे थे कि आज जो ये फैसला सरकार ने लिया है ये अवश्य ही 1 महीने में अवश्य बंद करना चाहिए। फिलहाल अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है लेकिन उसके बावजूद भी महीने में एक बार जो है वो लॉकडाउन करना चाहिए थे, ताकि जो हमारी अर्थव्यवस्था वो सुधर सके और जो पोल्यूशन है उस पर भी कंट्रोल लग सकता है। तो ऐसे में जो है आज भी लोग जो है अपने घरों में ही रहेंगे। फिलहाल जिला कांगड़ा में प्राइवेट गाड़ियां ही चल पाएंगी, साथ ही साथ एम्बुलेंस जो है वो चल पाएगी, और कोई भी ट्रांसपोर्ट की गाड़ी है वो नहीं चलेगी, कोई ट्रक बस या अन्य वाहन जो है वो नहीं चलेंगे। तो ऐसे में जो है लोगों को एहतियात बरतने का भी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रयास किया है, और हो सकता है कि जिला कांगड़ा को लॉकडाउन किया गया है, आज कैबिनेट की मीटिंग के बाद जो है वो मुख्यमंत्री विचार कर सकते हैं कि जिला कांगड़ा को ही लॉकडाउन करना है या पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की जरूरत है। जी, और इस पर नजर आप बनाकर रखिएगा। शुक्रिया मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। नासिर हुसैन उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि उत्तराखंड में क्या कुछ हाल है लॉकडाउन को लेकर, इसके अलावा जो कोरोना है उसको लेकर। नासिर, सबसे पहले कोरोना की स्थिति के बारे में बात करना चाहेंगे, उत्तराखंड से अभी क्या कुछ सामने है कोरोना की स्थिति को लेकर, कितने लोग नजरबंद, कितनों को आइसोलेशन में रखा गया है, और जो मरीज है कोरोना पॉजिटिव जो मरीज है उनकी हालत अभी कैसी बताई जा रही है? देखिए, अभी तक
तीन जो पॉजिटिव पेशेंट हैं वो यहाँ पर आए हैं उत्तराखंड में। हालांकि कई लोग काफी संख्या में लोग आइसोलेशन किए जा रहे हैं, लेकिन जो पॉजिटिव मरीजों की बात करें तो सिर्फ तीन आए हैं। लेकिन उत्तराखंड सरकार ने बहुत बड़ा कल अहम फैसला लिया, जनता कर्फ्यू के तुरंत बाद ही जो पूरा उत्तराखंड है उसको लॉकडाउन कर दिया गया है और सभी जो भी व्यवस्था की जानी है वो तमाम व्यवस्था कर ली गई है। और साफ तौर पर क्योंकि मुख्यमंत्री ने जब दिन भर जनता कर्फ्यू चलता रहा उसके बाद शाम को जो चीफ सेक्रेटरी है और मुख्य जो डीजीपी हैं उनके साथ बैठक की और उसके बाद ही ये फैसला लिया गया कि पूरे उत्तराखंड को 31 मार्च तक लॉकडाउन कर दिया जाए। लॉकडाउन के दौरान तमाम जो जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो पूरी तरीके से बंद रहेगी। जो कमर्शियल दुकानें हैं, कमर्शियल कारोबार है, वो पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। इसके अलावा सिर्फ जो रोजमर्रा की चीजें हैं वही जो रोजमर्रा का सामान है वो लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। उसके लिए जो मोहल्ले में जो राशन की दुकानें हैं या फिर सब्जी की दुकानें हैं वो ही सिर्फ खुली रहेंगी। इसके अलावा तमाम चीजों को पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है, यानी सिर्फ जरूरत की चीजों को छोड़कर कोई भी चीज उपलब्ध नहीं हो पाएगी और किसी को आवश्यकता होगी सिर्फ जो जरूरी काम के लिए किसी को बाहर निकलना होगा तभी वो निकल पाएगा, वो भी प्रशासन को बता करके कि उसको कोई जरूरी काम है। इसके अलावा कोई बिना वजह घर से बाहर ना निकले ये भी आदेश कर दिए गए हैं और साफ तौर पर कहा गया है कि इस बीमारी से लड़ने के लिए सबको साथ देना होगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने खुद अपील की थी और अब उम्मीद है कि लोग 31 मार्च तक जो शासन प्रशासन है उसके निर्देशों का पालन करेंगे। जी नासिर, एक और सवाल यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगी। जैसे जैसे कोरोना के केस बढ़े, चाहे बात उत्तराखंड की कर ली जाए, हिमाचल की बात कर ली जाए, जो सबसे पहले शिकंजा कसा गया या कदम उठाया गया वो पर्यटकों को लेकर उठाया गया, तो अभी उत्तराखंड में क्या पर्यटक रह गए हैं या फिर उनके लेकर क्या कुछ अभी तस्वीर उत्तराखंड से सामने है? देखिए उत्तराखंड में अगर पर्यटकों की स्थिति की बात करें, क्योंकि बहुत पहले के ही सबसे पहले जो फैसला लिया गया था वो पर्यटकों के लिए ही लिया गया कि पर्यटक नहीं आएंगे, यानी पहले उत्तराखंड की सीमाएं सील कर दी गई थी, तो लिहाजा जो तमाम पर्यटक रुके हुए थे उत्तराखंड में उन लोगों को वहां से निकाला गया और कहा गया कि वो अपने अपने गंतव्य को वापस लौट जाए। और ज्यादातर मैक्सिमम अगर कोई इक्का दुक्का छोड़ दें तो ज्यादातर लोग वापस उत्तराखंड से वापस अपने घरों को जा चुके हैं। तो पर्यटकों की स्थिति यानी अगर देखें तो कहीं पर भी किसी भी होटल, धर्मशाला, गेस्ट हाउस कहीं पर भी लोग नहीं रुके हुए हैं। पर्यटकों को बहुत पहले ही कह दिया गया था, इस वजह से कुल सीमाएं सील होने की वजह से कोई नहीं आ पाया है और जो यहाँ पर रुके हुए लोग थे वो वापस चले गए। तो पर्यटकों की बात करें तो कहीं पर भी इस तरह के लोग नहीं हैं जो कहीं पर ये कहा जा सकता है कि वो रुके हुए हैं या उनको जबरदस्ती रोका गया है या उनको वहां से निकाल दिया गया। अब पर्यटकों के बारे में तो तमाम होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशालाएं उनको पहले ही निर्देशित भी कर दिया गया था कि वो और ज्यादा बुकिंग ना ले। जी नासिर, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी हम जानकारी लेते रहेंगे। तो आपको बता दें अभी जो संवाददाता है लगातार आपको पूरा दिन आज भी अपडेट देते रहेंगे लॉकडाउन को लेकर क्या स्थिति है, इसके अलावा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए सरकार के और क्या नए कदम उठाए गए हैं, आपको कैसे एहतियात बरतना है, आपको कैसे जागरूक रहना है, क्योंकि आप खुद कोरोना को मात भी दे सकते हैं। ये एक सबसे अच्छी खबर है अगर आप जिस पर गौर करें तो वाकई आप कोरोना के इस जंग से कहीं आगे निकल जाएंगे, कोरोना को इस जंग में हरा देंगे।